सीएम कौन होगा इसके नाम का फैसला हो चुका है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सांसद योगी आदित्य के नाम पर मोहर लग चुकी है, जिसके बाद अब यूपी में योगी युग की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर पार्टी आलाकमान की तलाश पूरी हो चुकी है। यूपी के अगले मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ होंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। यूपी में सीएम की रेस में गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ अब सबसे आगे निकल गए। मोदी मैजिक के सहारे यूपी में प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आई बीजेपी ने सीएम के नाम पर फैसला करने में एक सप्ताह का वक्त लगाया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब मंथन हुआ, तमाम दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई और अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दी गई है। बीजेपी ने यूपी में सीएम पद पर फैसला लेने के लिए एक हफ्ते का समय लगाया। लखनऊ से दिल्ली तक खूब मंथन हुआ, कई दिग्गजों के नाम सामने आए, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए सांसद योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकल गए। 403 में से 325 सीटों पर जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई बीजेपी के सामने सीएम के नाम को लेकर कोई दुविधा नहीं दिखी। कारण है बहुमत इतना बड़ा मिला कि मोदी और अमित शाह के सामने किसी के पक्ष में भी फैसले लेने की आजादी थी। सबसे बड़े दावेदार राजनाथ सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं और अब वो यूपी के सीएम बन चुके हैं और इसके लिए कल यानी वो 20 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ उनके मंत्रिमंडल में 20 मंत्री शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ में पूनम पनौरिया।